हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और यही चाहती हूँ कि आप सब लोग इसी तरह दूसरों के लिए भी अपने मन में भाव रखें, एक सद्भावना रखें। और ये जो हमारा सेगमेंट है आज का उपाय, इसमें आज मैं आपको जो उपाय बताऊंगी उस उपाय को आप जरूर करेंगे, करना भी चाहिए। क्योंकि जो मैं उपाय बताती हूँ अक्सर उनमें ऐसा उपाय नहीं बताती हूँ जिसमें आपको लाखों रुपए का खर्चा हो। ऐसे छोटे छोटे उपाय बताती हूँ जो आपको आपके डे टू डे लाइफ में करने से, एक लगातार कुछ समय करेंगे तो उसकी जो एनर्जी कलेक्ट होगी वो आपको बहुत लाभ देगी। क्योंकि जो भी कुछ हम करते हैं उसकी जो एनर्जी एकत्र होती है वो हमारे इर्द गिर्द ही रहती है। तो जब वो हमारे इर्द गिर्द रहती है तो उससे किसी और को लाभ नहीं होता, उससे हमें ही लाभ होता है, हम ही लाभान्वित होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं श्रीयंत्र, क्योंकि मैं श्री विद्या साधक हूं, हम श्री विद्या साधक हैं, उपासक हैं। तो श्री यंत्र का हमारे पूरे आध्यात्मिक जीवन में, साधना काल में इसका बड़ा महत्व रहा है, रहा है नहीं है। बिना श्री यंत्र के हम कैसे अपना कार्य कर सकते हैं? तो श्री यंत्र ये तो बाहरी है, हम अपने शरीर को ही श्री यंत्र मान करके आंतरिक यात्रा करते हैं। हमारी जो अंतःकरण की यात्रा है वो इसी श्री यंत्र को, ये बाहर है, सिंबॉलिक है, हमारा जो भीतर हमारा श्री यंत्र है हम उसी को श्री यंत्र बना करके साधना करते हैं, उपासना करते हैं। और आपसे भी अनुरोध करती हूँ कि अपने को एक दिव्यता की ओर लेकर जाएं। इस संसार में गिरने से तो अच्छा है कि अपने को ऊपर उठाएं, ये यहाँ की दलदल में फंसने से अच्छा है कि कमल बने, कमल के फूल की तरह कीचड़ में से ऊपर रहें, सुंदर रहें, स्वस्थ रहें। कमल का फूल किस चीज का प्रतीक है? किस चीज का प्रतीक है? लक्ष्मी जी का। आप अपने को अगर मनी मैग्नेट बनाना चाहते हैं, मैं आगे आने वाले समय में इससे रिलेटेड भी आपको उपाय बताऊंगी कि आप मनी को कैसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। और आपकी वो जो मनी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व हो सकती हैं? तो आज मैं जिस विषय वस्तु को आपके समक्ष रखने वाली हूँ वो ये है कि देखिए, आप धन कमाते हैं, आप उसको व्यय करते हैं, आय और व्यय दो काम है, पैसा आएगा पैसा जाएगा। मगर ऐसा क्या करें जिससे जो पैसा हम खर्च करते हैं, जो पैसा हम व्यय करते हैं, उसकी पावर, उसकी शक्ति, उस पैसे की, उस मनी की शक्ति, उसका अट्रैक्शन, उसका एक जो फ्लो है वो हमारे तरफ ही आकर्षित रहे। और किसी को पैसा देते हुए हम क्या करें? हम ऐसा कौन सा एंजल नंबर इस्तेमाल करें कि वो पैसा लौट करके हमारे पास फिर वापस आ जाए? कैसे? बूमेरंग की तरह। बूमेरंग एक खेल है, गेम होता है, उसमें जो प्लेयर है वो यूं करके फेंकता है और वो घूम करके फिर उसके पास आ जाता है। उस गेम को कहते हैं बूमेरंग। मेरी गुरु माँ हमेशा कहती थी जो भी कर्म करोगे वो बूमेरंग की तरह वापस आएगा। कर्मों की गति के बारे में जब भी वो प्रवचन करती थी तो मेरी गुरु माँ इस बात को कहती थी।
लोग क्या है कि इस श्रीयंत्र का इस्तेमाल श्री सूक्त करके सोचते हैं कि इससे हमें धन लाभ होगा। मैं इस चीज को नकारती तो नहीं हूं, क्योंकि सबकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, और श्री सूक्त से ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ऋग्वेद वेदों की वो व्याख्या है। तो श्री सूक्त करने से श्री यंत्र के सामने धन लाभ होता है, इसमें मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं होता, होता है, लेकिन श्री यंत्र इस काम के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज के लिए है। क्योंकि श्री यंत्र जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये पूरे ब्रह्मांड का मैप है, नक्शा है, और जो ये आप बाहर देख रहे हैं ये हमारे भीतर भी है। और अगर हम अपने भीतर के श्री यंत्र को चलाना सीख गए, लंबी साधना के बाद होता है, लंबी साधना, सालों साल, दशकों तक अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आप अपने भीतर के श्री यंत्र को चालित कर लेंगे। और जिस दिन भीतर का श्री यंत्र चालित हो गया, फिर आप पूरे ब्रह्मांड को चालित कर सकते हैं। ब्रह्मांड जितना बड़ा आपको दिख रहा है आपकी मुट्ठी में होगा। खैर, ये आज का मेरा विषय नहीं है। विषय मेरा ये है कि ऐसा एंजल नंबर जो आपके धन को आपसे दूर ना करे, अगर आपने वो धन किसी को दे दिया, खर्चा किया है, तो उस दिए हुए धन का आकर्षण हमेशा आप बने रहें। उस दिए हुए धन के भाव में ये हो कि मैंने वापस उस वहीं पहुंचना है, मुझे वापस वहीं पहुंचना है, मुझे उन्हीं के पास जाना है जिनके पास से मैं आया हूँ। मैं उस चीज़ के लिए आगे बढ़ूँ, उससे पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, और वो बात रोज करती हूँ और आज फिर कर रही हूँ, कि आप मेरे इस YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और आप उस वीडियो को प्रेम से देखें और अपने फ्रेंड्स में, ग्रुप्स में, फैमिली में, और जो भी अगर आपका कोई सोशल सर्कल है उन सब में इसको शेयर भी करें, ताकि जितनी अवेयरनेस समाज में आएगी, सोसाइटी में आएगी, उतना ही अच्छा होगा, उतना ही हम अपलिफ्ट करेंगे। हम अपना छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए, छोटे छोटे कर्म करते हुए, सद्कर्म करते हुए अपने जीवन को अति सुंदर सद्गम्य करेंगे, हम शांति को प्राप्त होंगे। तो जरूर मेरे इस वीडियो को आप शेयर करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट को एनालाइज करवाना चाहते हैं, या टैरो कार्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे से जो मैं कांटेक्ट नंबर देती हूँ, टाइटल में भी देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ, उससे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग पेड है। कई लोगों को थोड़ा सा गलतफहमी हो जाती है, तो नहीं, पर्सनल रीडिंग पेड है, और जो भी आपका आंसर है, पेमेंट होने के 2 या 3 दिन के भीतर आपको उसका आंसर दे दिया जाता है। इसके बाद जिस मुद्दे पे मैं थी, मैं वापिस उसी पे लौटती हूँ कि ऐसा कौन सा एंजल नंबर है जो हमारा जो मनी हम खर्च करते हैं तो वो धन कैसे लौट करके हमारे पास आकर्षित हो करके आए। वो एंजल नंबर है 708, 708। 708 ऐसा एक एंजल नंबर है। अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं तो 5 बार इसका मन ही मन बोल लीजिए। जैसे आप किसी को, मान लीजिए 100 रुपये दे रहे हैं, तो 100 रुपये देने से पहले आप 5 बार 708, 708, 708, 708, 708, 5 बार बोल लीजिए मन ही मन, तो उसको पैसे दे दीजिए। क्योंकि ये 708, 708, 708, 708, 708, 708 आपने उस नोट की तरफ देखते हुए बोलना है। और अगर आप UPI पेमेंट कर रहे हैं, आजकल तो डिजिटल है ना, कैश मनी तो होती नहीं लोगों के पास, नोट तो दिखते नहीं है आजकल, UPI से पेमेंट होता है। तो जब आप UPI पेमेंट करें और अपना अमाउंट भरें, अमाउंट लिखते हैं ना, इतनी पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट भरते हैं। जब आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर रहे हैं, तो जब आप उस अमाउंट को लिखते हैं,
तो उस अमाउंट की तरफ देखते हुए आप 5 बार 708 708 708 708 708 5 बार बोल दीजिए और उसको एक सेकंड देखें और फिर उसके बाद ओके कर दें। तो ये एंजल नंबर जब उस हमारे पेमेंट में जाएगा, चाहे हम कैश कर रहे हैं चाहे हम यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि वो जो एनर्जी है, जो उस पैसे की शक्ति है, जहाँ ये वो धन है, वो अपना काम करने के बाद फिर हमारे पास लौट के आ जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपको कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, पैसा आपका इंटैक्ट रहेगा और काम भी आपके सारे बनते रहेंगे। करके देखिए, बहुत लोगों को लाभ हुआ है, आपको भी निश्चित रूप से होगा। और यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से फिर एक कृपा विनती करती हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिए। मैत्री टैरोट रीडिंग MTR, और आप सब लोग सुख से रहें, शांति से रहें। हरिओम नारायण हरि।